जब भी जलियांवाला बाग और स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तर भारत और ख़ास तौर पर पंजाब के योगदान की बात की जाती है तो एक नाम जुबान पर जरूर आ जाता है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। एक स्वतंत्रता सेनानी, पेशे से वकील और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर, डॉक्टर किचलू ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पुरजोर आवाज़ उठाई थी। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के अजीम रहनुमा सैफुद्दीन किचलू का जन्म पंजाब के अमृतसर में 15 जनवरी 1888 को एक कश्मीरी परिवार में हुआ था। वालिद का नाम अजीजुद्दीन किचलू था और वालिदा दान बीबी थी। वालिद अजीजुद्दीन किचलू जाफरान और ऊनी कपड़ों की तिजारत किया करते थे। हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लिहाजा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। शुरुआती तालीम इस्लामिया हाई स्कूल अमृतसर से हासिल की और फिर आगे की पढ़ाई और उच्च शिक्षा के लिए विदेश चले गए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री, लंदन से ही बार एक्ट ला की डिग्री हासिल की और जर्मनी से पीएचडी की डिग्री हासिल कर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू बने और फिर सन 1913 में वापस हिंदुस्तान लौट आए। होम रूल मूवमेंट में सैफुद्दीन किचलू ने अपनी सियासी करियर की शुरुआत की और इसी दौरान 1919 में किचलू अमृतसर नगर निगम के चुने हुए कमिश्नर बने और इन्होंने पंजाब में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया और पंजाब कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष बने। 1919 में ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए रोलेट एक्ट लेकर आने का फैसला किया था। एक्ट के मुताबिक ब्रिटिश सरकार के पास शक्ति थी कि वह बिना ट्रायल चलाए किसी भी संदिग्ध को गिरफ्तार कर सकती थी या उसे जेल में डाल सकती थी। सैफुद्दीन किचलू ने पंजाब में रॉलेट एक्ट की जमकर मुखालिफत की और इसे आंदोलन का रूप देकर इसकी अगुवाई की। पंजाब उबल रहा था, काले कानून के खिलाफ सड़कें भरी हुई थी, अमृतसर सेंटर था, गांधी रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन के लिए पंजाब आना चाहते थे लेकिन डिफेंस ऑफ इंडिया के नाम पर उन्हें रोक दिया गया। अंग्रेजी गवर्नर को मालूम था कि गांधी आएंगे तो फिर पूरा पंजाब सड़क पर आ जाएगा। गांधी को घुसने से पहले ही गिरफ्तार कर बम्बई भेज दिया गया। गांधी आए होते तो शायद जलियांवाला बाग न होता। गांधी की गिरफ्तारी की खबर पहुंची तो पूरा पंजाब बंद हो गया। रॉलेट एक्ट के विरोध में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने 30 मार्च 1919 को जलियांवाला बाग में एक जलसा कर अंग्रेजों की जमकर मुखालिफत की जिसमें 30,000 से अधिक लोग आए हुए थे और इसके बाद 6 अप्रैल को हुए हड़ताल को भी कामयाब बनाया। 9 अप्रैल 1919 को रामनवमी के दिन अमृतसर में हिंदू मुस्लिम एकता का बेहतरीन नमूना देखने को मिला जिसके बाद पंजाब के मशहूर नेता डॉक्टर सत्यपाल सिंह के साथ सैफुद्दीन किचलू को रॉलेट एक्ट के तहत ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसी गिरफ्तारी के विरोध में कई प्रदर्शन हुए, रैलियां निकाली गई, ब्रिटिश सरकार ने अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया और सभी सार्वजनिक सभाओं रैलियों पर रोक लगा दी। 13 अप्रैल 1919 को इन्हीं के समर्थन में हजारों लोगों ने जलियांवाला बाग के अंदर अंग्रेजों के हाथों गोली खाई थी। गोली खाने वाले लोग सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल सिंह के ही समर्थक थे जो सैफुद्दीन और सत्यपाल सिंह की रिहाई की मांग के लिए जमा हुए थे। सत्यपाल सिंह के साथ सैफुद्दीन किचलू को उम्र कैद की सजा हुई पर शहीदों का खून जाया नहीं गया। अवाम के दबाव में आकर अंग्रेजों ने 1919 के आखिर में इन दोनों को छोड़ दिया। इस समय डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की उम्र मात्र 31 साल थी। जेल से निकलने के बाद सैफुद्दीन किचलू ने प्रोफेशनली वकालत छोड़ दी और एक वकील की हैसियत से उन्होंने मेरठ और दिल्ली के क्रांतिकारियों का केस लड़ा जिन पर बगावत का मुकदमा चल रहा था और इनके साथ ही तहरीके आज़ादी में खुलकर हिस्सा लेने लगे। सैफुद्दीन किचलू जामिया मिलिया इस्लामिया की फाउंडेशन कमेटी के सदस्य भी थे जो 29 अक्टूबर 1920 को मिले और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की स्थापना अलीगढ़ में की। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने खिलाफत और असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और जेल भी गए। हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने तहरीक तंजीम नाम का संगठन बनाया और एक उर्दू मैगजीन तंजीम निकाला और शुरू से ही मुस्लिम लीग की सियासत का विरोध किया और फिर सन 1924 में किचलू को कांग्रेस का महासचिव चुना गया। अपने सियासी करियर खिलाफत तहरीक से शुरू करने वाले डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग का न सिर्फ विरोध किया बल्कि इसे लेकर कांग्रेस को भी चेतावनी दे डाली। 1947 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत के विभाजन की स्वीकृति का जोरदार तरीके से विरोध किया।
1946-47 के दौरान मजहब के नाम पर हुए दंगों ने उन्हें काफ़ी परेशान किया। उन्होंने बिहार सहित हर दंगा ग्रसित इलाके का दौरा किया। 1947 में भारत विभाजन के दौरान हुए दंगों में उनके घर तक को जला दिया गया, जिसके बाद डॉक्टर किचलू दिल्ली चले गए और वहीं किराए के मकान में रहने लगे। विभाजन और आज़ादी के कुछ साल बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के करीब आना शुरू कर दिया। 1951 में एक सरकारी कानून ने सैफुद्दीन किचलू, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट के जीवन न्यासी बनाया। 9 अक्टूबर 1963 को 75 साल की उम्र में उनका इंतकाल दिल्ली में हो गया। अपने जीवन में वो करीब 14 साल जेल में रहे। उन्हें 1952 में स्टालिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप देख रहे थे यूट्यूब चैनल आज़ाद तारीख। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।